सबसे पहले तो भाई सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूँ। जो भी हमारी जो वीडियो देख रहे हैं उन सभी का सबसे पहले अपनी ये जो क्रिप्टो वेब सीरीज़ है इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों दो एक तो अपडेट के बारे में और दूसरा दोस्तों एक बहुत अच्छा जो माइनिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसको आप विड्रॉल भी कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और जिसके अंदर एक अच्छी खासी इनकम आप कर पाएंगे उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आपने बिल्कुल कम्प्लीटली देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप भाई अगर वीडियो को स्किप करोगे तो आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगा दोस्तों आपने वीडियो को तो कम्प्लीट देखना, और चैनल पे अगर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन को जरूर दबाओ ताकि जो भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लगाते हुए आपको बताता हूँ मैं पहले जो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों वो है ओम, ठीक है। मतलब जो ओमेगा जो नेटवर्क है दोस्तों, ओमेगा नेटवर्क के अंदर आप सभी को पता होगा कि अभी KYC चली हुई है, ठीक है। तो आज हम आपको लाइव जो KYC है वो करके बताने वाले हैं किस तरह से आपने KYC करनी। कम्प्लीटली आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आप वीडियो को कम्प्लीट देख लेंगे तो आपका कोई भी इशू नहीं रहेगा, कोई भी आपको एरर नहीं आने वाला है, ठीक है। जो भी एरर आएगा हमारी इस लाइव वीडियो के अंदर, लाइव प्रोसेस के अंदर आपको दिखाई देगा कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको भी। तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना दोस्तों। चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे जो माइनिंग है वो स्टार्ट है और यहाँ पर अभी भी माइनिंग चली हुई है। अगर आप माइनिंग नहीं कर रहे हैं तो माइनिंग करने लग जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने वहाँ पर लिंक दिया गया है, ठीक है। वहाँ से आप इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, एक अच्छा प्रॉफिट आपको ये प्रोजेक्ट देने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो ओमेगा स्टार्ट KYC फॉर यूजर्स, यहाँ पर यूजर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर जो KYC स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग June 2, 2023 यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आज हमारी जो KYC आई हुई है और लाइव प्रोसेस के अंदर आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग करना, मतलब जो KYC है वो वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने प्रोफाइल के अंदर आना, प्रोफाइल के अंदर जैसे आ जाएंगे दोस्तों तो आपने यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर नीचे सेटिंग का ऑप्शन एक नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ये सेटिंग का बटन है दोस्तों यहाँ पर आपको एक नज़र आएगा वेरीफाई अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर यूजर वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये जानकारी यहाँ पर आई हुई है। और अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट्स गो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो फुल नेम है, फुल नेम आपने डालना। फुल नेम के लिए दोस्तों आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के अंदर जो आपका रियल नेम है वो आपने यहाँ पर डालना, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर अपना जो रियल नेम है वो यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना जो नाम है वो डाल दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपने जो कंट्री है, कंट्री यहाँ पर आपने चूज करनी है। जैसे अगर आप पाकिस्तान से या कोई अदर कंट्री या कोई भी कंट्री हो, ठीक है, वो यहाँ पर चूज करना है। यहाँ पर आपके जो कंट्री है वो आपका नाम आ जाएगा कंट्री का, ठीक है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी क्या है कि सेल्फी लेनी है हमने। सेल्फी लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसके लिए दोस्तों सेल्फी लेने के लिए अभी क्या है कि यहाँ पर अभी इसके अंदर आपकी जो फोटो है, फोटो ली जाएगी, बिल्कुल क्लियर फोटो होनी चाहिए इसके अंदर। मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर क्लियर फोटो नहीं होगी तो दोस्तों आपकी जो सेल्फी वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर आई एम रेडी पे क्लिक कर देना, और आई एम रेडी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है दोस्तों, कैमरा इसके अंदर ओपन हो जाएगा और एक अच्छी सेल्फी आपने इसके अंदर लेनी है। तो आई एम रेडी पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अभी हमारे जो KYC के लिए, मतलब जो हमारी फोटो है, फोटो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। फोटो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपकी जो जो फोटो है दोस्तों अगर अच्छी नहीं आई तो आप ट्राई अगेन पे क्लिक कर सकते हो या फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म यहाँ पर हम कर देंगे, ठीक है। कन्फर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर लाइव स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी क्या है कि यहाँ पर बताया गया, ठीक है। मतलब अभी दोबारा से दोस्तों हमारी जो KYC को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो लेट्स गो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको 4 टाइम मतलब ऑप्शन मिलने वाले हैं। यहाँ पर 8 जून तक हमारा टाइम दिया गया, वेरिफिकेशन 8 जून तक हम कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर अभी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी क्या कि इसके अंदर जो KYC के लिए है
केवाईसी के लिए दोस्तों बहुत सारा अभी ऑप्शन वो मतलब जो लोग लगे हुए हैं इसके अंदर केवाईसी करने के लिए, ठीक है। और केवाईसी करने के लिए अभी होड़ मची हुई है जिसके कारण कि हमारा जो केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रहा जल्दी से। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं अभी हमारी केवाईसी होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं KYCOnTech.com की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं हम यहाँ पर। और अभी दोस्तों हम यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर हमारा जो एरर वो नहीं आया, ठीक है। यहाँ पर हम बिगिन चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले अलाउ करेंगे कैमरे को, ठीक है। तो यहाँ पर कैमरा अभी अलाउ नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी दोबारा से हम करते हैं अलाउ, ठीक है। अभी नहीं हो रहा क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको करते हैं, कैमरा नोट डायरेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस सॉल्यूशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ये, ठीक है। तो इसके अंदर अभी भी दोस्तों यही आ रहा, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं है। ये परमिशन मांग रहा है, इनेबल हमने कर लिया, फिर भी यहाँ पर ऐसे ही दिखा रहा है। फिर भी हम कोशिश करते हैं एक बार और। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो सेटिंग थी, दोस्तों हमारी जो साइट की सेटिंग होती है उसके अंदर से आपने अलाउ करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी अभी क्या है कि KYC हो रही है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर एरर आ चुका है, ये देख सकते हैं आप। इस तरह का एरर आपको भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर आपका सही से फेस नहीं आया, कोई और जैसे मतलब सर्वर की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर सर्वर डाउन हो जाता है, उस वजह से दोस्तों हमारे पास ये टाइम आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपने टोटल KYC करनी है, कैमरा खुलने के बाद आपकी जो KYC है वो कंप्लीट हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों। अभी बात करता हूँ ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि जैसे कि दोस्तों ये इस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों रूबी, ठीक है। रूबी के अंदर दोस्तों हमने ज्वाइनिंग करना, और इसके अंदर भी दोस्तों माइनिंग का प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको ये देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, इसको ज्वाइन करने का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बटन नजर आएगा रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपने सभी डिटेल आपने फिल करनी है, आपकी ईमेल आईडी है, यूजर नेम है और आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर के लिए दोस्तों यहां पर आपका एक ऑप्शन है, यहां पर आप इंडिया सेलेक्ट करना होगा अगर आप इंडिया से हैं तो, या अगर आप अदर कंट्री से हैं तो अदर कंट्री यहां पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पासवर्ड कर लीजिएगा और कंफर्म पासवर्ड कर लीजिएगा। और यहां पर कंफर्म करने के बाद दोस्तों रजिस्ट्रेशन के बटन पर आपने क्लिक कर देना। चलिए सबसे पहले मैं जो डिटेल है ये सभी फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने ये फिल किया हुआ फॉर्म आपको नजर आ रहा, तो यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन का बटन नजर आएगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूबी सोशल चैन नेटवर्क है दोस्तों, ये एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है दोस्तों। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए दोस्तों आपका जो यूजर नेम होता है, यूजर नेम आपने फिल करना और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना। और पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों हम इसके अंदर लॉग इन हो जाते हैं। जैसे आप इसके अंदर साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारी जो माइनिंग है वो बंद है, हमने अभी तक माइनिंग स्टार्ट नहीं की है। और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो इंडिया है, इंडिया हमने सेलेक्ट किया था, अवेलेबल यहाँ पर है, माइनिंग हमारी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो हम यहाँ पर बैक करते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। अगर आप इसके अंदर इंडिया के अंदर है तो इंडिया से, और यहाँ पर अगर अदर कंट्री से तो अदर कंट्री यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो माइनिंग वो स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हर 24 घंटे के बाद आपने दोबारा से आना और यहाँ पर माइनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और पर डे आपको यहाँ पर 1.4 टोकन आपको मिलने वाली है, जिनकी वैल्यू आप देख सकते हैं $4.20 यहाँ पर आपको शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सभी जानकारी आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर डिस्कवरी के अंदर दोस्तों आपको जो माइनिंग का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर नजर आएगा। वॉलेट के अंदर देखें तो वॉलेट अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर यूजर के अंदर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो कॉइन है यहाँ पर माइनिंग होते नजर आएंगे। और अभी तक हमने कोई भी इनवाइट नहीं किया है दोस्तों, इसलिए हमारे यहां पर एक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यूजर वेरिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो दोस्तों यहां पर अभी यहां पर ई KYC है या फिर अदर जो फेसबुक लिंक है, गूगल है, टिकटॉक है, टेलीग्राम है, वो अभी तक कोई भी हमने लिंक नहीं किया है, ठीक है। अभी तक आपने भी लिंक नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया वही प्रोसेस आपने इसके अंदर करना। सभी जानकारी दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली दी है आपको, और जो भी अपडेट आएगा दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन है जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।